नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं चर्चा करेंगे यहाँ पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। यहाँ सब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे रूपा जी से कि एग्री कम्युनिटीज का बाजार कैसा रह सकता है। और शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले एडिबल ऑयल से। रूपा जी, खबरें हैं कि इंडोनेशिया ने सोमवार से फिर से अपने पाम तेल का जो निर्यात है वो चालू कर दिया है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत पर इसका कुछ असर पड़ेगा? क्या निर्यात ज़्यादा होने से भारत में जो तेल की जो कीमतें हैं वो घटेंगी या बढ़ेंगी? क्योंकि देख रहे हैं कि इंडोनेशिया ने चालू तो कर दिया है, लेकिन इंडोनेशिया में खुद अभी इसकी जो सप्लाई है और जो दाम है वो अभी भी ऊपर ही बने हुए हैं। देखिए, हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि एक्सपोर्ट जो है अगर खुल जाता है तो थोड़ा सा प्राइसेस के ऊपर जो है वो प्रेशर आता हुआ बन सकता है, क्योंकि अभी प्राइसेस लगातार तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जैसे साइकोलॉजिकली भी आप देखिए, थोड़ा सा प्राइसेस के ऊपर अब डाउनसाइड बन सकता है, लेकिन फंडामेंटल तो ऑलरेडी सपोर्टिव है मार्केट के। और जैसे पहले भी हम तेजी आते हुए देख रहे थे तो वो तेजी अभी थोड़ा सा स्थिर होती हुई नजर आ सकती है, यानी कि एक स्टेबिलिटी बनती हुई मार्केट में दिखाई दे सकती है। तो बहुत ज्यादा अगर तेजी नहीं बनेगी तो गिरावट भी नहीं है, लेकिन हाँ, मार्केट जो है यहाँ पर इन्हीं लेवल्स के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई दे सकता है, ऊपर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनी रह सकती है। जी, यहीं से रूपा जी सोयाबीन की बात की जाए तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सी ने अपने बयान में कहा है कि इस बार सोयाबीन का जो आउटपुट है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, जो गवर्नमेंट एस्टिमेट है उसके मुकाबले कम ही रहेगा। गवर्नमेंट का एस्टिमेट है 13.83 मैट्रिक टन का और सी का एस्टिमेट है 10 मिलियन टन का। तो रूपा जी, अगर कम रहती है सोयाबीन की उपज तो क्या आगे दाम में और तेजी आने की संभावना बनी हुई है क्या अभी भी? क्योंकि देख रहे हैं सोइंग सीजन भी नजदीक ही है सोयाबीन का, और ऊपर से सरकार ने सोया खल का आयात भी कर लिया है। देखिए, प्रोडक्शन कैसा रहता है, अभी सोइंग की बात हो रही है और अगर इस बार सोइंग कम होती है और उसके ऊपर आगे वेदर कैसा रहेगा इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, वर्ल्ड प्रोडक्शन कैसा रहेगा, ये सारी चीजें देखनी होंगी और उसके बाद ही प्राइसेज के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पिछली बार प्रोडक्शन कम रहा और इस वजह से हमें बाजारों में तेजी देखने को मिली, क्योंकि वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट आया था। अब यहाँ पर भारत में जरूर एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात, मतलब जो है सोइंग वो थोड़ी सी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, उससे हो सकता है कि जो प्राइसेस इस बार इतना बूस्टअप दिखाई दिया है उसमें थोड़ा सा इजो पाता हुआ दिखाई दे। लेकिन अगर अगेन प्रोडक्शन कम रहता है वर्ल्ड वाइड तो फिर से कीमतें जो है वो तेजी की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी। तो ये अभी फिलहाल प्रोडक्शन के आंकड़े आने के बाद ही डिसाइड होगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा और डिमांड कैसे पिकअप होती हुई नजर आएंगी। पिछले 2 साल से तो डिमांड भी कम होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से कीमतें जो है अभी फिलहाल बहुत ज्यादा उठ नहीं पाई थी। लेकिन हाँ, अभी जो प्रोडक्शन है वो काफी कम था, जिसकी वजह से जैसे जैसे सब कुछ ठीक होता गया, इकोनॉमी में फिर से रफ्तार आई, तो उसके चलते हमें फिर से कीमतों के अंदर सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। अब हमें आगे चलकर डिमांड कंट्रीब्यूशन में रहने वाली है, प्रोडक्शन कैसा रहेगा इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए ट्रेंड जो है एडिबल ऑयल का बहुत ज्यादा कोई गिरावट वाला दिखाई नहीं देता है। जी, यही सिर्फ जी मसालों की बात करें तो मसालों का बाजार देख रहे हैं कि अभी भी सुस्ती के ही साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। खबरें हैं कि फंडामेंटल्स तो मजबूत हैं, लेकिन ज़्यादा अराइवल्स और ऊपरी स्तर पर जो डिमांड कम हुई है उसकी वजह से मसालों में यहाँ पर कुछ नरमी आई है। रूपा जी, आपको क्या लगता है जो फंडामेंटल वाली तेजी है वो बाजारों में कब तक देखने को मिल सकती है? देखिए, फंडामेंटल वाली तेजी हमने आती हुई देखी है। जीरा आप देखिए 22,500 के ऊपर गया था, लेकिन वहां से करेक्शन में आ चुका है जी। लेकिन अभी भी बाजार जो है पॉजिटिव है, कोई बहुत ज्यादा गिरावट अभी नहीं आई है। धनिया भी वहीं पर सस्टेन है 11,000-11,500 के आसपास, तो अभी यहाँ से हम 12,000-12,500 का स्तर एक्सपेक्ट करें कि देखने को मिल सकता है। हल्दी आप देखिए 8,000 के ऊपर सस्टेन है और नीचे में हल्दी में एक्सपेक्टेड है कि 7,800 तक लेवल आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो ये जो फंडामेंटल तेजी है ये बनी रह सकती है और इसके चलते अभी बाजार सस्टेन है और आगे चलकर कॉन्ट्रीब्यूशन में अपट्रेंड मोमेंटम बना रह सकता है। जी रूपा जी, कैसे सीड की बात करें तो देख रहे हैं कैसे सीड 7,600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है जून वायदा, और जुलाई वायदा 7,700 के ऊपर। रूपा जी, देख रहे हैं कैसे सीड फिर से लगातार तेजी की ओर जाता नजर आया है काफी समय के बाद, आपको क्या लगता है अगर इस हिसाब से लगातार कैसर में तेजी बनी रहती है तो क्या कैसे सीड 8,000 का भी लेवल दिखा देगा? देखिए, दिखा सकता है बिल्कुल, अभी थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी आ रही है तो अभी के लिए 7,800 का स्तर है, 7,800 का स्तर संभव है कि देखने को मिल सकता है जून वायदा में भी। और जुलाई अगला, अगर जुलाई वायदा की बात करें तो जुलाई वायदा में ऑलरेडी हम 7,700 के ऊपर देख रहे हैं,
तो बिल्कुल यहाँ से पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, 1700 से 8000 के स्तर बन सकते हैं जी। रूपा जी, ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो देख रहे हैं ग्वार गम में और ग्वार सीड अब धीरे धीरे कुछ हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड करने शुरू हुए हैं, आपको क्या लगता है क्या ग्वार गम और ग्वार सीड फिर से अब यहाँ से निचले स्तर से खरीदारी दिखाएंगे? देखिए बिल्कुल इसमें भी थोड़ा सा पॉजिटिव ही है मार्केट, और बहुत ज्यादा अभी देखिए जो तेजी थी उस पर ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है, लेकिन मार्केट सस्टेन हो रही है। ग्वार सीड अगेन 6000 के ऊपर आ चुकी है और यहाँ से 6100-6200 का स्तर संभव है देखने को मिल सकता है, और गम जो है 47,000 से 48,000 के बीच की रेंज बनी हुई है कॉटन एमसीएक्स में, तो आपको क्या लगता है अब क्या यहाँ से कॉटन में अभी और करेक्शन आएगी, और अगर करेक्शन आती है तो कहाँ तक जाएगी? देखिए मैंने पहले भी बोला था कि मार्केट में कभी भी करेक्शन आ सकती है, कॉटन में जो हम लेवल देख रहे थे 50,000 के ऊपर वो सस्टेनेबिलिटी वहां पर बनती हुई मार्केट में दिखाई नहीं दे, और मार्केट उस तरह से गिरता हुआ नजर आया, और अब यहां से 47,000 तक एक बार एक्सपेक्टेड है कि मार्केट गिर सकता है जी। रूपा जी, बिनौला खल में क्या लगता है? बिनौला खल देख रहे हैं कि 2844 पर ट्रेड कर रहा है अभी भी। देखिए बिनौला खल मुझे लगता है यहाँ से 2700 से लेकर 2600 तक के नीचे की एक बार रेंज बना सकता है, और ऊपर में अगेन 3000 तक का स्तर है, लेकिन यहाँ से एक बार 2700 तक नीचे आ सकता है जी। रूपा जी, वीट में क्या लगता है आपको? सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन तो लगा दिया है भारत सरकार ने, लेकिन अब खबरें ऐसी निकल के सामने आ रही है कि भारत ने जो गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया है उसकी वजह से जो ग्लोबल सप्लाई है वीट की वो प्रभावित हो सकती है, और जो ये खाद्य संकट है वो खड़ा हो सकता है। इसी को लेकर जब ये जो क्वाड बैठक होगी उसमें मोदी जी और जो जो बाइडन है अमेरिका के राष्ट्रपति वो भी मिलेंगे, और गेहूं के जो निर्यात पर बैन लगाया है भारत सरकार ने उस पर चर्चा होगी। तिरुपा जी, आपको क्या लगता है अगर भारत फिर से गेहूं का निर्यात खोल देता है तो जो प्राइजेज हैं क्या वो फिर से और तेजी से देखने को मिलेंगे? देखिए बिल्कुल अगर एक्सपोर्ट खुल जाते हैं तो अगेन सपोर्ट आता हुआ मार्केट में दिखाई देगा, और अभी के लिए कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक बार एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया था, और दूसरा जो खबरें निकल कर आ रही थी कि जिन देशों को ज्यादा जरूरत है उनको पहले सप्लाई किया जाएगा, तो अभी के लिए देखा जाए तो हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन बेहतरीन है, अगर एक्सपोर्ट खुलता है तो कीमतें जो है फिर से सपोर्ट ले सकती हैं, अदरवाइज अगर एक्सपोर्ट नहीं खुलेंगे तो वापस से कीमतों के अंदर दबाव बना रह सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा खासा है और डिमांड भी है और सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, इस वजह से निर्यात किया जा रहा था, और अभी भी दूसरे देशों के अंदर जहाँ पर अनाज का संकट है वहां पर सप्लाई देने की कोशिश है कि वहां पर पहले सप्लाई दी जाए, और डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि एक्सपोर्ट जो है एक बार खुलते हुए नजर आएंगे और कीमतों को फिर से सपोर्ट मिल सकता है जी। रूपा जी, एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स क्या देने चाहेंगी आप? देखिए एग्री कमोडिटीज में मुझे लगता है कि अभी इंट्राडे परस्पेक्टिव की अगर बात करें तो मसालों में वाइन की तरफ रहना चाहिए, मसालों के साथ साथ ग्वार के अंदर भी खरीदारी करते चलिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज सुबह की कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कैसा कारोबार करता नजर आ सकता है, और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।